एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यूपीएससी में चयनित उम्मीदवारों को बधाई दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आप सभी को सुखद भविष्य के लिए शुभकामनाएं। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्वीट के जरिए कहा है, देश की सेवा करके आप सभी प्रदेश और परिवार का नाम रोशन करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यूपीएससी में चयनित उम्मीदवारों को बधाई दी है। जिन युवाओं का चयन हुआ है यूपीएससी में सिविल सर्विसेज में, उनको शुभकामनाएं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी हैं। प्रदेश के कई ऐसे युवा जिन्होंने यूपीएससी के इस एग्जाम में अपनी जगह बनाई है, टॉप में रहे हैं, और उन सभी उम्मीदवारों को, उन सभी चयनित उम्मीदवारों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बधाई दी है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी को बधाई दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी यूपीएससी में जिन्होंने परीक्षा पास की है और जो फाइनल लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं, उन्हें बधाई दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी ट्वीट में लिखा है कि सिविल सेवा परीक्षा 2022 उत्तीर्ण करने वाले सभी होनहार अभ्यर्थियों को ढेर सारी बधाई। आप सभी अंत्योदय की भावना के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग और क्षेत्र की उन्नति के लिए अपना शत प्रतिशत योगदान देंगे। मैं ऐसी आशा करता हूँ। नए दायित्व हेतु हार्दिक शुभकामनाएं। ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने ट्वीट में लिखा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यूपीएससी में चयनित उम्मीदवारों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने यह लिखा कि देश की सेवा करके आप सभी प्रदेश और परिवार का नाम रोशन करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यूपीएससी में चयनित सभी अभ्यर्थियों को बधाई दी। देश की सेवा करके आप सभी प्रदेश और परिवार का नाम रोशन करें, यह कहा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया है। ट्वीट में इन सभी सिविल सेवा को परीक्षा को पास करने वाले सभी अभ्यर्थियों को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं।